हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज के टॉपिक के बारे में मैं आपको बता दूं। ग्रूमिंग, क्या ग्रूमिंग केयर गिवर के काम पे आता है, ड्यूटीज़ में इंक्लूडेड है या नहीं। तो मेरे तो ड्यूटीज़ में नहीं है, लेकिन कोई कोई अगर करना चाहता है तो कर सकता है, बट वो केयर गिवर की ड्यूटीज़ में बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है ग्रूमिंग का। तो दादी का आज ग्रूमिंग सेशन है, तो मैं दादी को ग्रूमिंग सेशन के लिए लेके जा रही हूँ नीचे, क्योंकि अभी लेट भी हो गया है। एंड मैंने सोचा जाने से पहले मैं ब्लॉग बना लूँ एंड फिर उसके बाद में मैं नीचे जाऊँ, क्योंकि मैं दादी को ग्रूमिंग क्लास से छोड़ के फिर कंटिन्यू करूँगी, इफ इट इज़ इंक्लूडेड इन आवर जॉब और नॉट, और या फिर मतलब लाइक हमें करनी ही पड़ेगी या फिर हम कर सकते हैं आउट ऑफ कंसर्न, आउट ऑफ केयर। ये होता है ना कि हम कर दें, कि ज़रूरी नहीं है, इंक्लूडेड तो बिल्कुल नहीं है, बट अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो लेट मी शो यू दादी का ग्रूमिंग सेशन एंड उसके बाद ये टॉपिक पे और ज़्यादा डिस्कशन होगा। तो मुझे दादी को उठाना पड़ेगा सबसे पहले, फिर लेके जाना पड़ेगा। तो ये देखो, मेरी दादी अभी सो रही है, शायद से आप लोगों को दिखाई दे रही है या नहीं, बट सी स्लीपिंग नाउ एंड मैं अभी उनको उठाऊंगी एंड फिर ग्रूमिंग क्लास के लिए लेके जाऊंगी एंड फिर उसके बाद मैं वहीं पे जाके ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी। जैसे कि आपने देखा, मैंने दादी को छोड़ दिया है वो वाले रूम पे जहाँ पे दादी का मैनिक्योर एंड पेडिक्योर होता है, एंड वो भी हम लोगों के ओल्ड एज होम के अंदर ही है, हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है ग्रूमिंग करने के लिए। इवन द हेयर कट, मतलब यहाँ पे पार्लर का मतलब होता है कि यहाँ पे अलग अलग करते हैं सब, लाइक मैनिक्योर एंड पेडिक्योर अलग से स्पेशलिस्ट आती है एंड हेयर्स के लिए स्पेशली अनदर, मतलब लाइक दूसरी वाली जो है, एंड हेयर कट के लिए स्पेशल हेयर स्टाइलिस्ट आती है। तो यहाँ पे ऐसा है। एंड मैं क्या बता रही थी, द ड्यूटीज़, तो ये ग्रूमिंग वाला जो सीन है वो हम लोगों के ड्यूटीज़ में बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है। अगर अगर आपने पार्लर, मतलब कोई होता है ना पार्लर सीख के आता है या फिर उन्होंने पार्लर सीखा हुआ है तो वो कर सकते हैं एंड उसके लिए दादियाँ एक्स्ट्रा पे करती है, बट जिसे नहीं आता है वो बिल्कुल भी ना घबराए, क्योंकि ये हम लोगों के जॉब में इंक्लूडेड नहीं है। अगर आपको नहीं आता तो आप मत करो, जैसे कि मुझे नहीं आता है कुछ भी, तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। इवन द नेल पेंट्स, वो भी मैं नहीं लगाती हूँ दादी का, लेकिन अगर जिसको आता है तो वो लगा सकता है, मतलब लाइक आउट ऑफ कंसर्न होता है ना कि मैं दादी का काम कर दूँ। तो ऐसा करने के लिए अगर, मतलब लाइक अगर आपके मन में ऐसा है कि मैं कर देती हूँ तो कर सकते हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा मस्ट नहीं है कि आपको आना चाहिए, आपको पार्लर आना चाहिए या फिर दादी को ग्रूमिंग करके एकदम उनका हेयर कट करके, हेयर कलर करके या फिर नेल पेंट लगा के, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को अगर नहीं आता है तो नहीं आता है। इवन फॉर द बॉयज़, अगर आपको नहीं आता है हेयर कट वगैरह तो आप नहीं करो, लेकिन बॉयज़ के लिए एक ज़रूरी बात है कि अगर दादाजी का ट्रिमिंग वगैरह वो उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि वो शायद से आप लोगों को आता होगा, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि दादाजी लोगों का वो लोग ही करके देते, लेकिन वेयर एज गर्ल्स का, मतलब एक तो हम लोगों को इतना आइडिया है नहीं, मुझे तो नहीं है, लेकिन जिस जिसने पार्लर सीखा है उनको होगा, मुझे तो आइडिया नहीं है, तो मैं नहीं करती हूँ। एंड इवन मेरी दादी भी फोर्स नहीं करती है मुझे, लेकिन अगर आपको फोर्स करते हैं कोई दादी कि हाँ भाई तुझे तो करना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा का सीन नहीं है। आउट ऑफ कंसर्न मैंने बताया आप कर सकते हो, लेकिन करना पड़ेगा एक कंपलसरी जो होता है ना कि हाँ करो करो, ऐसा नहीं है। एंड कोई कोई जो है, मतलब कोई कोई केयर गिवर्स मैंने देखा हुआ है कि वो लोग ना एक्स्ट्रा करते हैं, मतलब लाइक हद से ज़्यादा करते हैं। करना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मत करो, करना चाहिए, बट वो हमारे ड्यूटीज़ में इंक्लूडेड नहीं होते। इवन फैमिली का काम करना भी हम लोगों के ड्यूटीज़ में इंक्लूडेड नहीं है, बट कोई कोई आउट ऑफ कंसर्न होता है ना कि हाँ फ्राइडे सैटरडे को फेस्टिवल के टाइम पे आया तो कर दिया, ये सब है, लेकिन हम लोगों के जॉब में इंक्लूडेड नहीं है ये सब। अगर आपको ग्रूमिंग एंड कोई कोई बाप रे, कोई कोई तो ऐसा होता है कि सुबह शाम मसाज करते, तो मसाज करना भी इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन आउट ऑफ कंसर्न अगर दादी के पैरों में, मतलब लाइक पेन है या फिर कभी कभी ठीक है कि हाँ चलो दादी के पैरों में पेन है तो मैं कर देती हूँ, या फिर हाथों में कुछ है तो हम हाथों के लिए मसाज कर दिया, बट एवरी डे इट्स नॉट इंक्लूडेड। एंड वन मोर थिंग, कि मैं वो, मतलब लाइक आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं रूड हो रही हूँ, बट नहीं, मैं रूड नहीं हो रही हूँ, क्योंकि ये हम लोगों के जॉब में इंक्लूडेड ही नहीं है, इंक्लूडेड ही नहीं है मसाज करना, मसाज देना,
मतलब ग्रूमिंग करना ये इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन अगर मैंने पहले ही बताया, लेकिन अगर मतलब मैं भी कर देती हूँ कभी कभी दादी का, अगर पैरों में दर्द होता है तो मैं कर देती हूँ, क्रीम व्रीम लगा देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लगा देती हूँ। बट एवरी डे करना या फिर कोई कोई मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हर काम अच्छा होता है, ठीक है, ये बात भी मैं बता दूँ कि हर काम अच्छा होता है या फिर मतलब होता है ना कि आपकी दादी अच्छी ही मिलेगी आपको, ऐसा नहीं है। कभी कभी विलन भी मिलती है, तो विलन जब मिलती है तो आपको मतलब एक होता है ना कि नौकर वाला फील कराना कि हाँ भाई ये तेरे काम पे आता है, कंपलसरी है, करना है तुझे तो करना है। मतलब मसाज करने से हो गया, फुट मसाज से, पेडिक्योर मेनिक्योर करना होगा, ये सब करवा सकते हैं। बट मैं बता दूं कि आप अपने एजेंसी से बात कर सकते हो, क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है बिल्कुल भी। फिर दूसरी बात क्या हो गई कि हमेशा दादी लोग मतलब लाइक 90% लोग तो पार्लर ही जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ दादियाँ होती है जो अफोर्ड नहीं कर पाते पार्लर, तो वो बोलते हैं कि हेयर कलर कर दो, हेयर कट कर दो। अगर आपने पार्लर किया है तो चलो ठीक है कि आपने कर दिया एंड वो हो गया, लेकिन अगर आपने नहीं किया है एंड अगर आपने गलती से कुछ गलत कर दिया तो फिर आपको उसका डबल पे करना पड़ेगा। इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपको नहीं आता है तो मत करो, एंड डायरेक्टली आप रिफ्यूज़ कर सकते हो एंड अपनी एजेंसी से बात कर सकते हो, या फिर आपको जो एजेंट लेके आया उसको बोल सकते हो कि हाँ भाई मुझे तो नहीं आता है, मैं नहीं करूँगी। एंड फिर दूसरी बात, ये इंक्लूडेड नहीं है। कभी कभी कभार ठीक है, अगर कभी कभार दादी को मतलब एक ग्रूमिंग का मतलब होता है ना कि आप उनको अच्छे से वो करो, प्रेजेंट करो, ये हाँ आपका ड्यूटीज में ये है कि उन्हें साफ सफाई एकदम मेंटेन करके रखना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने, मतलब साफ सफाई वाला मतलब लाइक नीट एंड क्लीन कपड़े पहनाने हैं, एंड उन्हें हमेशा टाइडी रखना है, नीट एंड टाइडी रखना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि लग्जरियस, मतलब लग्जरियस मीन्स थोड़ा सा होता है ना कि हाँ नेल वेल मेनिक्योर कर दिया, पहले पैरों का पेडिक्योर कर दिया, थोड़ा सा मसाज वसाज दे दिया, बॉडी मसाज दे दिया, ये सब इंक्लूडेड नहीं है, मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है। एक होता है ना कि हाँ, फिर आप बोलोगे कि हाँ दादी को तो प्रेजेंटेबल, मतलब हो सकता है ना कि मेरा वीडियो देख के आप लोग ये बोलो कि दादी को प्रेजेंटेबल नहीं, ये नहीं कि नीट एंड टाइडी अलग है, वो तो मेरी दादी भी रोज नहाती है, मतलब लाइक नहाना, उनको कपड़े पहनाना या फिर उनको अच्छे से तैयार करना, टाइडी रखना, ये हम लोगों का ड्यूटी है। बट जो लग्जरियस होता है ना, मैं लग्जरियस की बात करूँ, जैसे अभी मेरी दादी गई, वो प्रोफेशनल थी, आपने देखा होगा मैंने दिखाया था, वो एकदम प्रोफेशनली सब कुछ करती है, तो ये मतलब प्रोफेशनल, उनका सब कुछ इक्विपमेंट्स भी प्रोफेशनली, उन्होंने सैनिटाइज वैनिटाइज कर रही थी, तो वो चीज़ जो है वो प्रोफेशनली हम लोग नहीं कर सकते, तो हम लोग ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि बाद में हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मतलब ब्लेम आ सकता है कि नहीं भाई तूने किया था। इसलिए बोल रही हूँ नहीं आता है मत करो ग्रूमिंग का काम। आईब्रो का हो गया, आईब्रो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लड़कियों के लिए, दादियों के लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। गलती से आपने कुछ कर दिया तो फिर आपको ही भरपाई करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें मैं बोल रही हूँ, ये सारी लग्जरियस चीज़ें बोल रही हूँ, ठीक है। और फिर पैरों का पेडिक्योर हो गया है ना कि कहीं चुभ गया तो फिर आप कोई लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए बोल रही हूँ कि ये इंक्लूडेड नहीं है। एंड हेयर्स का भी कुछ इंक्लूडेड नहीं है, नीट एंड टाइडी रखो अपनी दादी को, बट ग्रूमिंग का इंक्लूडेड नहीं है। लड़के का भी मैं बोल दूँ कि लड़के का भी जरूरी नहीं है कि आप हेयर कट करो, वो दादाजी खुद कर लेंगे। हाँ वो दाढ़ी वाड़ी का ट्रिमिंग में बियर्ड वियर्ड आ गए तो वो तो करना पड़ेगा, लेकिन बाकी का कुछ नहीं करना है लड़के के लिए भी। तो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग यही एंड करती हूँ, एंड दिस इज द रूम वेयर मतलब लाइक क्या बोलते हैं, हितमलूद एक्सरसाइज वाला रूम है, लेकिन अभी खाली है, तो इसलिए मैं यहाँ आके बैठ गई एंड ब्लॉग बनाना चालू कर दिया। अदरवाइज यहाँ पे वॉकआउट होता है, एंड आई होप कि मुझे एक दिन टाइम मिले एंड मैं पूरे बेताबोत आपको दिखाओ, बट शायद से मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ मतलब एक प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, ये मेरी दादी की, ये तो मतलब ऑनर का है, तो पूछ के करना पड़ेगा किसी का भी मतलब घर दिखाने से पहले, तो इसीलिए ये चीज़ मैं परमिशन लेके शायद से एक दिन करूँगी, अभी का नहीं पता। तो दिस इज़ द रूम फॉर द वॉकआउट। तो इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, एंड मैं दादी का वेट करूँगी यहीं पे, क्योंकि 1 घंटे लगने वाले हैं दादी को। एंड मे बी सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, नेक्स्ट वीडियो, तो तब तक के लिए बाय। एंड ये चीज़ याद रखना कि लग्जरियस चीज़ें आप ना करो तो ही आप फायदे में रहोगे, बाकी तो आप देख लो, एजेंसी से बात कर लो अगर आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम होती है तो। सबसे पहले इज़ एजेंसी, एजेंसी से बात करना कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो। इसी के साथ मैं ये ब्लॉग यही एंड करती हूँ, बाय।